तो दोस्तों, मॉन्स्टर वर्स की पांचवी फिल्म गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर रिलीज हो गई है, जो कि डायरेक्ट सीक्वल है 2021 की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की। किंग कॉन्ग और गॉडजिला पहले दो अलग अलग फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स थे, लेकिन कुछ साल पहले उन दो कंपनियों का मिलन हुआ और शुरुआत हुई मॉन्स्टर वर्स की, जिसकी बदौलत अब ये दोनों राक्षस एक साथ दिख रहे हैं। इस फिल्म में हमें हॉलो अर्थ की गहराई के बारे में पता चला और यहाँ एक ऐसा मॉन्स्टर सामने आया जो कि दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। आज मैं गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के 3 साल बाद की है। उस मूवी में हमने देखा था कि मेका गॉडजिला को हराने के बाद कॉन्ग जमीन के नीचे की दुनिया हॉलो अर्थ में रहने चला गया था और गॉडजिला धरती के ऊपर रहकर दूसरे टाइटन्स यानी राक्षसों को मार रहा था और इंसानों की हिफाजत कर रहा था। दूसरी तरफ मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मॉन्स्टर्स की स्टडी करती है, उन्होंने हॉलो अर्थ में अपना एक स्टेशन बना लिया था और वो वहाँ की रिसर्च कर रहे थे। और मोनार्क की साइंटिस्ट आइलिन एंड्रयूज खास तौर से कॉन्ग का डिपार्टमेंट संभाल रही थी और उस पर नजर रख रही थी। पिछले पार्ट में हमने जिया नाम की एक गूंगी बहरी बच्ची को देखा था, जो कि स्कल आइलैंड पर रहने वाले ईवी कबीले की आखिरी सदस्य थी। उसे अब आइलिन एंड्रयूज ने गोद ले लिया था और वो उसे पढ़ा लिखा रही थी। इसी दौरान हॉलो अर्थ में कॉन्ग के शिकार करते वक्त वहाँ की एक जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसके नीचे एक अनजान इलाका मौजूद था। इस गड्ढे की वजह से हॉलो अर्थ में मोनार्क का जो स्टेशन था, वहाँ उन्हें एक अनजान सिग्नल मिलने लगता है जिसे वो समझ नहीं पाते, इसीलिए वो उसे अपने हेडक्वार्टर भेज देते हैं। उस सिग्नल की वजह से 2 घटनाएं होती है। एक तरफ गॉडजिला, जो कि शांति से सोया हुआ था, वो जाग जाता है और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुस के वहाँ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। और दूसरी तरफ जिया को अजीब सपने दिखने लगते हैं और वो उसी अनजान सिग्नल की ड्राइंग बनाने लग जाती है। इससे आइलिन को शक होता है कि उन सब घटनाओं का आपस में कुछ कनेक्शन है और उसे समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त बर्नी के पास जाती है, जिसने कुछ साल पहले मेका गॉडजिला को हराने में उसकी मदद की थी। बर्नी टाइटन से जुड़ी हर घटना को जानता और समझता था, इसीलिए आइलिन उसे सब कुछ बताकर मोनार्क के हेडक्वार्टर ले आती है। तब बर्नी उस सिग्नल, जिया की ड्राइंग और सारी चीजों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाता है कि वो सिग्नल एक डिस्ट्रेस कॉल है, यानी हॉलो अर्थ में कोई उन्हें मदद के लिए पुकार रहा है। इसीलिए आइलिन हॉलो अर्थ में जाने का फैसला करती है, लेकिन इसी दौरान कॉन्ग एक पोर्टल के जरिए जमीन के ऊपर आकर मोनार्क पहुंच जाता है, क्योंकि उसका एक दांत खराब हो गया था जो कि उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। तब आइलिन ट्रैपर नाम के एक आदमी को वहां बुलाती है, जो कि बड़े जानवरों का डॉक्टर था। ट्रैपर वहां कॉन्ग को बेहोश करके उसका वो खराब दांत निकाल लेता है और उसकी जगह एक लोहे का दांत लगा देता है। इसके बाद आइलिन हॉलो अर्थ जाने की तैयारी करती है और वो अपने साथ जिया, बर्नी और ट्रैपर को भी ले लेती है। फिर वो लोग एक स्पेसशिप लेकर उस पोर्टल से हॉलो अर्थ चले जाते हैं और कॉन्ग भी उनके साथ वहां आ जाता है। दूसरी तरफ गॉडजिला उस न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आर्कटिक में जाता है और वहां पर वो टियामट नाम के एक रेडियो एक्टिव टाइटन को हरा देता है। फिर गॉडजिला टियामट की गुफा में घुस के वहां की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और सुपर चार्ज हो जाता है। इससे मोनार्क के साइंटिस्ट को लगता है कि गॉडजिला किसी बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उधर जब आइलिन और उसके साथी हॉलो अर्थ में मोनार्क के स्टेशन पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें वो स्टेशन बर्बाद दिखता है और उसके लोग मरे हुए मिलते हैं, और उस जगह पर बड़े गोरिल्ला के पंजों के निशान थे जो कि कॉन्ग के नहीं थे। तब आइलिन और बाकी सब वहां से निकलते हैं और उस सिग्नल की खोज में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग अपने शिकार के इलाके में जाता है और वो उस नए गड्ढे में उतर जाता है, जिसके नीचे उसे एक बिल्कुल ही अलग और बहुत बड़ा गांव मिल जाता है। वहां पर कॉन्ग को उसकी प्रजाति के कुछ गोरिल्ला मिलते हैं, जो कि उस पे हमला कर देते हैं। कॉन्ग उन सबको हरा देता है और वो उनमें से एक छोटे गोरिल्ला सुको को अपने साथ रख लेता है। फिर कॉन्ग की उससे दोस्ती हो जाती है और तब सुको उसे अपने इलाके में ले जाता है, जहां उसकी प्रजाति के बहुत सारे लोग रह रहे थे और उनपे एक जालिम गोरिल्ला राज कर रहा था, जिसका नाम था स्कार किंग। वहां जब कॉन्ग स्कार किंग की बेरहमी देखता है, तो वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। मुकाबला टक्कर का था, लेकिन फिर स्कार किंग जीतने के लिए चीटिंग करता है
और वो एक दूसरे टाइटन को अपनी मदद के लिए बुलाता है जिसका नाम था शीमो। शीमो एक प्राचीन बर्फीला राक्षस था जिसे स्कार किंग ने एक मैजिकल क्रिस्टल से अपने काबू में करके रखा था। वहाँ शीमो कॉन्ग के एक हाथ को बर्फ से जमा देता है जिससे वो काफी घायल हो जाता है। तब वो सूको के साथ उस जगह से भाग जाता है जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी पीछे छूट जाती है और वो स्कार किंग को मिल जाती है। उधर आइलीन, जिया, बर्नी और ट्रैपर उस सिग्नल को ट्रैक करते हुए एक खुफिया मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां जब वो लोग एक पर्दे को पार करते हैं तो उसके पीछे उन्हें एक बहुत बड़ी बस्ती नजर आती है जिसमें कई सारे प्राचीन ईवी लोग रह रहे थे। फिर उनकी रानी वहां आती है और वो जिया को अपने कबीले का जानकर उन सबका स्वागत करती है। तब आइलीन और उसके साथियों को पता चलता है कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल इन ईवी लोगों ने ही भेजा था क्योंकि दुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसके बारे में समझाने के लिए वो ईवी लोग जिया और उसके दोस्तों को एक ऐसे कमरे में ले जाते हैं जहां हॉलो अर्थ का इतिहास लिखा हुआ था और उसमें एक भविष्यवाणी भी थी। सदियों पहले धरती के नीचे और धरती के ऊपर एक संतुलन था और टाइटन्स और इंसान अपनी अपनी दुनिया में शांति से रहते थे, लेकिन फिर एक सनकी गोरिल्ला स्कार किंग ने अपने कबीले के साथ मिलकर इंसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहा। तब गॉडजिला ने उससे लड़ाई की और उन सबको हरा के हॉलो अर्थ के एक ऐसे हिस्से में भेज दिया जहां से निकलना बेहद मुश्किल था। उस जगह पर स्कार किंग को बर्फीला दानव शीमो मिल गया जिसे उसने वो क्रिस्टल के जरिए अपना गुलाम बना लिया और वो अपने कबीले पर हुकूमत करने लग गया। तब से लेकर आज तक स्कार किंग और उसके साथी हॉलो अर्थ के उसी निचले हिस्से में कैद है, लेकिन आज भी स्कार किंग वहां से बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। फिर बाद में जब मोनार्क वालों ने कॉन्ग को हॉलो अर्थ में छोड़ा तब से वो वहां पर अपनी प्रजाति के लोगों को ढूंढ रहा था और हॉलो अर्थ की गहराई में जा रहा था। और जब एक दिन कॉन्ग ने गलती से स्कार किंग के इलाके में जाने का रास्ता खोल दिया तो इससे उन ईवी लोगों को समझ में आ गया कि अब जल्द ही स्कार किंग वहां से बाहर निकल के फिर से अपना मकसद पूरा करना चाहेगा। इसीलिए ईवी कबीले की रानी ने ऊपर की जमीन पे एक सिग्नल भेजा क्योंकि वो चाहते थे कि गॉडजिला एक बार फिर से स्कार किंग को हराए, लेकिन वो जानते थे कि इस बार स्कार किंग के पास शीमो की भी ताकत है जिससे गॉडजिला उससे अकेला नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए पुराने ईवी लोगों ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब स्कार किंग दोबारा धरती पे कब्जा करने जाएगा तब स्कल आइलैंड पे रहने वाला एक ईवी नीचे आकर मोथरा को जगाएगा। मोथरा एक उड़ने वाली टाइटन थी जिसे ईवीओ की रक्षक और गॉडजिला की साथी कहा जाता है। वो कुछ साल पहले एक लड़ाई में मारी गई थी, लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से वो फिर से जिंदा होने वाली थी और स्कार किंग के खिलाफ गॉडजिला का साथ देने वाली थी, पर उसे सिर्फ स्कल आइलैंड का ईवी ही वापस ला सकता था। धरती के ऊपर जो स्कल आइलैंड था वहाँ रहने वाले सभी ईवी मर चुके थे सिवाय जिया के। इसलिए हॉलो अर्थ के प्राचीन ईवी गॉडजिला के साथ साथ जिया को भी मदद के लिए पुकार रहे थे। दूसरी तरफ घायल कॉन्ग स्कार किंग के इलाके से निकलकर भाग रहा था, लेकिन अब तक कुछ गोरिल्ला उसका पीछा कर रहे थे जिन्हें रोकने में सुको उसकी मदद करता है। और क्योंकि कॉन्ग जिया को समझता और महसूस करता था इसीलिए वो उसकी तलाश में ईवी की बस्ती तक पहुंच जाता है जहां आइलीन और उसके साथी कॉन्ग की हालत देखकर ये समझ जाते हैं कि वो स्कार किंग से भिड़ के आया है। फिर ट्रैपर कॉन्ग का वो जख्मी हाथ ठीक करने के लिए एक काम करता है। कुछ साल पहले जब मेका गॉडजिला ने दुनिया पे हमला किया था उसके बाद मोनार्क वालों ने वैसे खतरों से निपटने के लिए कॉन्ग को और शक्तिशाली बनाने का फैसला किया था ताकि वो भविष्य में कमजोर ना पड़े। इसके लिए मोनार्क ने एक पावरफुल मैकेनिकल आर्म बनाया था जिसका एक सैंपल उन्होंने हॉलो अर्थ के अपने स्टेशन में भेज दिया था। इसीलिए ट्रैपर उसी मैकेनिकल आर्म को वहां लाकर कॉन्ग के हाथ में फिट कर देता है जिसमें कुछ हीलिंग इंजेक्शंस भी थे। उससे कॉन्ग ठीक हो जाता है और बहुत ताकतवर बन जाता है। फिर जिया उसे बोलती है कि वो स्कार किंग से अकेला लड़ नहीं सकता, इस काम में उसे गॉडजिला की मदद लेना जरूरी है। इसीलिए कॉन्ग हॉलो अर्थ से बाहर जाता है और वो गॉडजिला को नीचे लाने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग को अपने इलाके में देखकर गॉडजिला भड़क जाता है और वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। उधर ईवी कबीले वाले जिया को लेकर एक रस्म अदा करते हैं जिससे मोथरा जिंदा हो जाती है और वो बाहर जमीन पे जाकर गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई रोक देती है और उन्हें समझाकर हॉलो अर्थ में लाने लगती है। दूसरी तरफ स्कार किंग के एक साथी ने कॉन्ग का पीछा करके ईवी कबीले की बस्ती और वहां मौजूद पोर्टल्स देख लिए थे जिससे बाहर की दुनिया में जाया जा सकता था,
इसीलिए वो ये बात जाकर अपने राजा को बता देता है। तब स्कार किंग अपनी पूरी फौज और शीमो को लेकर ईवी के इलाके पे हमला कर देता है, लेकिन तभी गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उन सबसे लड़ना शुरू करते हैं, जिसमें सुको भी उनका साथ देता है। पर लड़ाई करते करते स्कार किंग, शीमो, कॉन्ग और गॉडजिला एक पोर्टल में गिर जाते हैं और ब्राजील देश पहुँच जाते हैं। बाहर की दुनिया में आने से स्कार किंग बहुत खुश हो जाता है और वो शीमो की शक्ति से पूरी धरती को बर्फ से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे बीच में ही रोक देता है। फिर वो चारों दो टीम बनाकर आपस में लड़ते हैं, जिससे वहाँ बहुत तबाही होती है। उनकी लड़ाई बराबरी से चल रही थी, इसीलिए हार जीत का फैसला नहीं हो रहा था। पर तभी सुको वहाँ पर कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और वो उससे वो क्रिस्टल तोड़ देता है जिससे स्कार किंग शीमो को काबू कर रहा था। इसकी वजह से शीमो आजाद हो जाता है और स्कार किंग अकेला पड़ जाता है। तब गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं। फिर शीमो अपना बदला लेने के लिए स्कार किंग को बर्फ से जमा देता है और कॉन्ग उस बर्फ के टुकड़े कर देता है, जिससे स्कार किंग मर जाता है। इसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से आसमान को साफ कर देता है, जो कि शीमो के बर्फ से ढक गया था। उधर हॉलो अर्थ में आइलीन जिया की खुशी के लिए उसे उन ईवी लोगों के साथ रुकने के लिए बोलती है, लेकिन जिया इसके लिए मना कर देती है और वो आइलीन के साथ वापस ऊपर की दुनिया में चली जाती है। आखिर में गॉडजिला पृथ्वी पे दोबारा शांति से सो जाता है और कॉन्ग अब शीमो और सुको के साथ हॉलो अर्थ में चला जाता है, जहाँ पर वो सब गोरिल्ला रह रहे थे। और क्योंकि अब स्कार किंग मर चुका था, इसीलिए कॉन्ग वहाँ का नया राजा बन जाता है, यानी किंग कॉन्ग। तो दोस्तों, ये थी गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।